क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन आपने दूसरी बॉडी में डाल दिए, तो जिसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए वो डेफिशिएंट हो गया, जिसमें डाल दिए वो एक्सेस हो गया। तो एक एक बॉडी पॉजिटिव होगी, एक बॉडी नेगेटिव होगी, ठीक हो गया। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा था फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो ये सपोज एक बॉडी की दूसरी बॉडी, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया एक्सेस, और इसके ऊपर डेफिशिएंसी होगी एक। ऐसे होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया तो ऐसे एक्सेस हो गया और यहाँ डेफिशिएंसी। अगर मैं दो करता तो यहाँ पर इतना चार्ज आ जाता और यहाँ पर इतना। कोई डाउट इसमें? अगर मैं इसमें तीन करता तो तीन तीन हो जाते, चार करता चार चार हो जाते, एन करता तो एन एन हो जाते। क्वांटाइजेशन ये कहता है कि चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि टू एंड हाफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर दो, एक पूरा एक आधा, ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे थोड़ी ना। तो इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा या दो जाएंगे या तीन जाएंगे या चार जाएंगे या एन जाएंगे। तो यही क्वांटाइजेशन है, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज का मतलब कम से कम ई चार्ज है या टू ई चार्ज है या थ्री ई चार्ज है या एनी चार्ज है। तो इस प्रोसेस में एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा, एक बॉडी पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये फॉर्मूला क्वांटाइजेशन का। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज का जो फॉर्मूला है वो ई का मल्टीपल होगा, और ई का मतलब आपको पता ही है 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है? कॉज रीजन यही है क्वांटाइजेशन का कि ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फ्रैक्शन नहीं ट्रांसफर हो सकती, इंटेग्रल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं है, इसका रीजन है। चार्ज एडिटिव है, सब्ट्रैक्टिव है, सबको पता है चार्ज एड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एक बॉडी पे चार्ज ला सकते हो ना इसका खत्म कर सकते हो जब तक आपके पास एक और बॉडी नहीं है। मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है प्लस 10 ही चार्ज है, 10 की कमी है, तो अगर मैं इसको न्यूट्रल बनाना चाहता हूँ और चार्ज इसको न्यूट्रल बनाने का मतलब चार्ज को खत्म करना चाहता हूँ, तो मुझे 10 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे तभी डेफिशिएंसी पूरी होगी। तो वो 10 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? वो कोई और बॉडी देगी। तो अकेली एक बॉडी का चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। ठीक, किसी ने कहा अर्थ कर दो, तो अर्थ एक दूसरी बॉडी है, दो बॉडी तो कम से कम चाहिए चार्ज को लाने के लिए और चार्ज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यही वो कह रहा है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन, अकेले में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे किसी और बॉडी से ताकि ये क्या हो सके, न्यूट्रल। एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओनली रिपल्शन कैन कन्फर्म दैट ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। जैसे सपोज करो मेरे पास दो बॉडीज हैं और वो दो बॉडीज आपस में क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो मैंने पूछा कि ये बताओ कि यार अट्रैक्ट कर रही हैं तो चार्ज क्या होगा? किसने कहा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ओके। मैंने कहा रिपेल कर रही हैं तो सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी चार्ज्ड है और दूसरी न्यूट्रल है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो सपोज करो एक न्यूट्रल बॉडी लेके आए आप, इनिशियली द बॉल वॉज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था। आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आए इसके सामने, नेगेटिवली चार्ज रॉड ने इंडक्शन कर दी, इंडक्शन में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कर दिया। अब एक बात बताओ, ये न्यूट्रल थी और ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। जबकि ये न्यूट्रल था फिर भी अट्रैक्शन है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दो बॉडीज आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट, तो इसका मतलब या तो वो ऑपोजिट चार्ज है या एक चार्ज्ड है और दूसरी न्यूट्रल है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर दो बॉडीज आपस में रिपेल करती हैं तो इंडक्शन से अट्रैक्शन ही हो सकती है क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है, इसमें रिपल्शन नहीं होती। तो इसलिए रिपल्शन अगर मैं बोलता हूँ किसी भी क्वेश्चन में कि दो बॉडीज आपस में रिपेल कर रही हैं तो इसका मतलब कि वो जो दो बॉडीज हैं वो ऑपोजिट चार्ज है, तो सॉरी सिमिलरली चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव।
तो इसीलिए कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं हम किससे टेस्ट करते हैं, रिपल्शन से, अट्रैक्शन से नहीं करते, क्योंकि अट्रैक्शन में बॉडी न्यूट्रल का केस भी निकल आता है, ठीक। तो इसलिए रिपल्शन ज़्यादा बेटर टेस्ट है टू चेक बॉडी चार्ज है कि नहीं। रिपल्शन ज़्यादा बेटर टेस्ट है, अट्रैक्शन जो है उसमें न्यूट्रल का केस भी आ जाएगा, ठीक। तो यही बताया हुआ है। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ।